अखिल भारत हिंदू महासभा का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान 18 प्रदेशों में जारी है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने मोती बाग के माता शेरावाली धाम से आज जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रत्येक हिंदू अपने हस्ताक्षर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देकर अभियान को सशक्त बनाए। वीडियो संदेश में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बॉबी वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता, हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रमुख धर्मेंद्र दुबे भी शामिल रहे। दिल्ली से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा। यहाँ पर भी हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया आचार्य धर्मेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में, और उसमें भी अनेक कार्यकर्ताओं ने आकर हस्ताक्षर आरंभ किए। मैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, जो अखिल भारत हिंदू महासभा, जय बजरंग सेना या जो भी हिंदू महासभा के सहयोग में खड़े हुए संगठन हस्ताक्षर अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जो जो हस्ताक्षर करवा चुके हैं वो हस्ताक्षर पुस्तिकाएं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय B882 गली नंबर 7 बाबा कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली 110084 पर प्रेषित करना आरम्भ कर दें। 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, और उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को 10 करोड़ हस्ताक्षरों का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्रधानमंत्री जी से संसद के अंदर एक विधेयक पारित करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाएगी। और इसके साथ साथ